तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को विश्व विजेता बनते देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड माल्स भी अपनी टीम का जोश बढ़ाने के लिए भारत में होंगे। कहीं इसे क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है तो कहीं इसे क्रिकेट के प्रति बड़ा लगाव। वैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्रिकेट मुकाबले में दुनिया भर की नजर बनी रहती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वर्ल्ड कप का फाइनल और फाइनल का सुपर संडे, मौका भारत के लिए विश्व विजेता बनने का। कंगारुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने धूल चटाने का। ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप हाथ में लेने का। फाइनल मुकाबले के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी न्योता भेजा। हालांकि मैदान में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड माल्स भी दिखाई देंगे, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया की जनता के साथ उनकी सरकार भी अहमदाबाद में अपने खिलाड़ियों को एक दूसरे के सामने देखेंगे। पूरे देश को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी अपनी आंखों से भारत को विश्व विजेता बनता देखेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनने के बाद ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मैच देखने आ रहे हों। इस बार पीएम के आने की तैयारियां भी जारी हैं। स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भी कल सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे। जो जो वीवीआईपी आ रहे हैं, जैसे माननीय भारत के प्रधानमंत्री, उसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ मुख्यमंत्री भी, जैसे मुख्यमंत्री आसाम आ रहे हैं, भारत के माननीय गृह मंत्री भी आ रहे हैं। फिलहाल मैं कह सकता हूं कि मुझे काफ़ी संतोष है कि पुलिस ने जिस हिसाब से अरेंजमेंट किए हैं, हम शाम को इसकी रिहर्सल भी करने वाले हैं। मैच देखने के लिए पीएम के साथ कई वीवीआईपीज भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आ रहे खास मेहमानों की लिस्ट को देखें तो इसमें पहले नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी स्टेडियम में होंगे, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड माल्स भी होंगे। उनके साथ अमेरिकी राजनयिक भी मैच देखेंगे। सिंगापुर के गृह मंत्री के शनगुनम भी आएंगे। नेताओं के साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे। 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात होंगे। इसके अलावा आरएएफ होगी, एनएसजी होगी और साथ ही साथ जो है बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड्स भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी भी यहाँ पर पहुंचकर सारी की सारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगी और किसी भी तरीके की परिस्थिति से निपटने की तैयारी यहाँ पर की गई है। और सबसे बड़ी और सबसे खास बात ये कि कमिश्नर ने जो बताया कि न्यूक्लियर थ्रेट से निपटने की तैयारी भी यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम को, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी खुद आने वाले हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इस वजह से सुरक्षा में कोई कोर कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी जा रही है। जैसा कि पुलिस ने बताया, अहमदाबाद में कुल 6,000 पुलिस फोर्स तैनात होंगे। फाइनल मुकाबले के लिए 3,000 पुलिसकर्मी मौजूद होंगे। इनके साथ चेतक कमांडो और एनडीआरएफ की टीम भी होगी। आरएएफ की दो कंपनियां भी अहमदाबाद में होंगी। सुरक्षा तो कड़ी होगी, लेकिन हमारे फैंस, उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फैंस को तो बस चाहिए क्रिकेट का धमाका, और इस बार तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया है, वो ऑस्ट्रेलिया जिससे इंडियन फैंस को अलग ही लगाव है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना मुश्किल तो है, लेकिन कल मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि शर्मा जी की लीडरशिप और बाकी सारे स्टार प्लेयर जो इस समय परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मजा आने वाला है कल। नहीं नहीं, ये सही समय आ गया है पुरानी चीजों को बुलाने का, और अब की इंडिया जीतेगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाहे क्रिकेट का मैदान हो या बॉलीवुड फिल्में, भारतीय टीमें ऑस्ट्रेलिया को हराने में ज्यादा मजा लेती हैं। आपको याद होगा फिल्म चक दे इंडिया के आखिर में भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ही अपना खिताब जीता था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया टीम ही ऐसी है, ज्यादातर खेलों में इनका नाम ही काफी होता है, मगर इस बार ऑस्ट्रेलिया का वो नाम मिट्टी में मिलने वाला है। अहमदाबाद में जुटे ये फैंस ऑस्ट्रेलिया को हारता हुआ देखने के लिए बेताब हैं। अभी 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लंदन में ऑस्ट्रेलिया ने आपको हराया था, 2003 में हराया था, तो अहमदाबाद में कल वो सब बदला एक साथ ले लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का बाप इंडिया, असली दिवाली हम कल मनाएंगे जब ट्रॉफी उठेगा इंडिया के हाथों। बाप कौन? इंडिया, इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के बाप कौन? इंडिया, इंडिया। तो फिलहाल फैंस खुश हैं,
कॉन्फिडेंट हैं, इन्हें अपनी टीम पर पूरा यकीन है। वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आखिर यही तो है खेल, जो जनता से लेकर सरकार तक सबको एक कर देता है। अहमदाबाद से किरण चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.